आप इस्माइल की औलाद में से हैं इस्माइल इस्मा की खातिर जब अल्लाह ताला ने जमजम का कुआ जारी किया तो और के खाना बदोश अरब सैयदा हाजरा की इजाजत से वहां आकर रिहायश पजीर हुए काबे के इस्माइल इसमाइल और उनकी औलाद रही एक अरसे के बाद बनु जुरहम और सैदना इस्माइल की औलाद में काबे की तौलियत के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो काबे की खिदमत और तौलियत औलाद इस्माइल और बनु में तकसीम हो गई और जब बनु खुजा ने लड़कर मक्के पर कब्जा किया तो एक मुद्दत तक काबे की तौलियत भी उनके पास रही लेकिन बनु इस्माइल बहरहाल मक्के ही में रहे उनके एक फर्द किलाब ने शिमाली अरब में कबीला में शादी की उससे कुसय पैदा हुए वो जवान होकर अपने कबीले में वापस आ गए खुसुर की वफात के बाद कुसाई ने अपने नन्हहाल की मदद से बनू खुजा को मजबूर किया कि वो शहर छोड़कर मुजाफात में जा बसा बनु खुजा के सरदार ने काबे के कीमती चढ़ावों को जमजम के कुएं में डालकर उसको पाट दिया और कुआं गायब हो गया फिर कुसई को बहुत बड़ा इकदार हासिल हुआ उसकी औलाद फली फूली और उसे कौम का बहुत बड़ा सरदार तस्लीम किया गया कु ने मक्के में एक शहरी शहरीत का आगाज किया वहाँ यानी पार्लियामेंट और टैक्स के नए माहकमे कायम किए लेकिन वफात के वक्त हुकूमत अपने बच्चों में तकसीम कर दी किसी को काबे की रखवाली सौंपी किसी को चाबी दी किसी को फौज की क्यादत तो किसी को टैक्स का हिसाब किताब सौंपा बाद की नस्लों में इंतजाम की मजीद तकसीम दर तकसीम हुई आगाज इस्लाम के वक्त वहां दस सरदारों की एक मजलिस कार फरमा नजर आती थी कुसई के चार बेटे थे उनमें अब्दे मनाफ बड़े नामवर और साहिब इज्जत हुए अब्द मनाफ के भी चार बेटे थे उनमें हाशिम शोहरत में सबकत ले गए हाशिम आपके परदादा थे बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ, साथ सखावत मुरत और एहसान में भी बेमिसाल थे हाशिम कहलाने की वजह ये थी कि उनके अहद में एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया ये फिलस्तीन गए और ऊँटों पर आटे की बहुत सी बोरिया लाद लाए बहुत से ऊंट जबाह किए उनका शोरबा तैयार किया रोटियाँ पकवाई इन रोटियों को शोरबे में भिगो भिगो कर आहले शहर को खिलाते रहे अरब इस खाने को हशीम और सुरीद कहते हैं सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा इसी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे इसी सखावत और फयाजी से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया जी असर और वजाहत की वजह से उनकी दूसरे मुमालिक के दरबारों में भी रसाई थी उन्होंने ही कुरैश में सबसे पहले ये दस्तूर जारी किया कि साल में दो मरतबा तजारती काफ़ले रवाना हुआ करें मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिले रवाना होते थे सूरत कुरैश में अल्लाह ने कुरैश को यही इनाम याद दिलाया है क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत ऐसी मौसम सरमा व गर्मा के आदि हो गए उनकी समझ में ये बात आ गई की इस नियमत के शुक्रिय में अल्लाह की इबादत करना चाहिए जो इस घर का मालिक है और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से बख्शा नज़ाशी, शाह हबश हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तोहफे तहाय भी पेश करता कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तजारती काफिले की हिफाजत का हुक्म हासिल किया और ये उनके आला तदब्बर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तिजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए इस तरह मक्का मुकर्रमा बैन अवी तजारत का मरकज बन गया इससे खाना काबा की जियारत और फरीज हज आम हो गए और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी इन क्रैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से जजीर नुमाए अरब में एक माशी मरकज पैदा हो गया इन सालाना मेलों में क्रैश को सरमायादाराना तजारत और काफिलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी इस तरह मक्का मुकर्रमा तिजारती मरकज बना जिसने सियासी मर्कजियत का रास्ता खोला जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था एक सौ सतानवे ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अमर के यहाँ मदीना मुनवरा में शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया शेबा का मतलब है बूढ़ा हाशिम की वफात के बाद जिम्मेदारियां उनके भाई मुत्तलिब ने संभाल ली थी गोया मुत्तलिब शेबा का चचा था। उसकी वफाद के बाद शेबा ने रिफादा और सिकाया की जिम्मेदारियां खूबी से संभाली उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था एक दिन ख्वाब में उन्हें इशारा मिला कि फुला जगह खोद कर गायब शुदा जमजम का कुआ करें। खोदते वक्त उससे उन्हें दफनशुदा खजाना भी मिला जो काबे के चढ़ावों पर था। अब्दुल को जमजम की मिल्कियत के लिए बहुत पेश आई मगर आहले शहर अमन पसंद थे उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानबदार हाकिम से इसका फैसला करा लिया जाए अब्दुल मुतलिब ने यह बात मान ली लेकिन परेशान भी थे इसलिए मन्नत मानी कि अगर, अगर अल्लाह ने मुझे दस बेटे दिए और वो बलूगत को पहुँचे तो मैं उनमें से एक को काबे में जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा जब दसवां बेटा भी बलूगत को पहुँच गया तो अब्दुल मुतलिब को मन्नत याद आई उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला ताकि जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दे कुरा नबी अक्रम सल्लाम के वालिद अब्दुल्लाह के नाम निकला अब्दुल मुतलिब का इरादा देख कर रिश्ता दारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की और उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी खातून अर्राफा के पास जाकर हल हल्या करें चुनाचे मुतलिब एक अर्राफा के पास गए उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और दस ऊँटों के दरमियान कुरा डालो अगर अब्दुल्लाह के नाम निकले तो मजीद दस ऊंट बढ़ा दो इस तरह खूं बहा की मकदार में इजाफा करते जाओ यहाँ तक के कुरा खूब बहा पर निकले उन्होंने कुरा अंदाजी शुरू की कुरा हर बार अब्दुल्लाह के नाम निकलता रहा ये दस ऊंट हर बार बढ़ाते गए जब सौ ऊंट पूरे हो गए तब कुरा ऊंटों के नाम निकला अब्दुल मुतलिब ने तीन बार ऐसा किया ताकि इतमान हो जाए हर बार सौ ऊंटों ही का कुरा निकला अब उन्हें इतमान हो गया कि यही अल्लाह को मंजूर है जमजम के कुएं की मिल्कियत हासिल करने के अलावा अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाक अब्रहा बैतुल्ला पर हमला है तारीख में इसको वाक के नाम से याद किया जाता है अब्रहा एक ईसाई सरदार था शाह हबशा नज़ाशी की तरफ से यमन का हाकिम था उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजा बनवाया अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया अब्रहा गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लेगा चुनाचे वो एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मुजाहत की अब्रहा ने उसे तहे देख कर डाला यहाँ तक कि वो मक्का के करीब पहुंच गया वहां के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के के जानवर पकड़ लिए इन जानवरों में अब्दुल सौ ऊंट भी थे अब्दुल मुतलिफ को अबराहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े अल्लाह से अपने घर की हिफाजत की दुआ की कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अबराहा से मिलने के लिए गए और उससे अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया अब्रहा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला तुमने अपने ऊँटों की वापसी की तो बात की काबे के मुतालिक नहीं कहा मैं तो को के लिए आया ने दिया, उंट मेरी मिलकियत है इसलिए उनकी रिहाई के लिए चला आया काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है अब्राह ने इन ऊँटों की वापसी का हुक्म दे दिया ये अपने ऊंट लेकर मक्का मुआजमा वापस आ गए साठ सत्तर हजार का लश्कर था और उसमें नौ या तेरह हाथी थे इस लश्कर ने आखिर मक्के पर चढ़ाई की लश्कर मक्के के नजदीक पहुंचा तो महमूद नामी हाथी ने मक्के में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया ऐसे में अचानक बाहरे कुलजुम की तरफ से परिंदों का टिड्डी दल नजर आया उनके पंजों और चूचों में कंकरियां थीं। जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ती उनके आज़ा कटना शुरू हो जाते इन कंकरियों के गिरने से अब्रहा की फौज और हाथियों का जो हशर हुआ वो बिला शुबा तारीख आलम का एक निहायत हैरतनाक बाब है खुद अब्रहा मुश्किल से गिरता पड़ता सना तक पहुँचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा अरबों के हाँ उस साल को आमुलफील कहते हैं एक मुद्दत तक यही तकवीमी साल शुमार होता रहा कुरान करीम में ये वाक फील में बयान हुआ क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा वाक फील के पचास पचपन दिन बाद अब्दुल मुतलिब काबे का तवाफ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली पिछहत्तर साल दादा बहुत खुश हुए नबी करीम अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाब अब्दुल्लाह की यादगार थे जिनकी जिंदगी सौ ऊंटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए उनकी वफात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया अब्दुल्लाह की वालिदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र था अब्दुल्लाह के दो सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे बीबी आमिना से निकाह के बाद अब्दुल्लाह ने रवाज के मुताबिक तीन दिन तक ससुराल में क्या किया इसके बाद तिजारत की गरज से शाम चले गए वापसी पर यसरिब यानी मदीना मुनवरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें मदीना मुनवरा ही में क्याम के दौरान वो बीमार हो गए आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुतलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्लाह की खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया हारिस मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ एक माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए हैं इंतकाल के वक्त उन्होंने पांच ऊंट चंद बकरियां और एक बांदी छोड़ी, जिसकी उम्मे और नाम बरकत था अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था गोया आप सल्लाम सल शिका में मादर ही में यतीम हो गए थे आपकी वालिदा सयदा आमिना तहारत ए नफ़स شرافت इज्जत इफ़त इस्मत और पाकबाज़ी में बेमिसाल थीं अपनी क़ौम में सय्यदतुन नसा के लक़ब से मशहूर थीं दधयाल और ननहयाल दोनों के ऐतिबार से आप अरब के बेहतरीन क़बीले और बेहतरीन क़ौम में से थीं विलादत ए बासादत के बाद तीन चार दिन तक आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया फिर आपके चाचा अबू लहाब की आज़ाद करदा کنیज़ सुवैबा ने और फिर हलीमा सादिया ने दूध पिलाया अक्सर सीरत निगारों ने कनीस का नाम सोबिया ही लिखा है लेकिन दरअसल उसका नाम सुवैबा था। जिस तरह सही बुखारी और सीरत निगारी के आलमी मुकाबले में अव्वल आने वाली सीरत नबवी पर मुस्त किताब अल रहीकुल मखतूम में मस्कूर है दूध पिलाने की जिम्मेदारी माहरबील बावन अबरी यानी अप्रैल 571 सौ इकहत्तर ईस्वी में सौंपी गई। उस जमाने में अरब में ये दस्तूर था जो आज के दौर में भी बाकी है कि नौजायदा बच्चों को दूध पिलाने के लिए शराफा इब्तदा ही से देहात में भेज दिया करते थे ताकि देहात की साफ सुथरी और खुली आबो हवा में उनकी परवरिश हो सके जुबान अहले अरब जैसी फसीह हो जाए और आहले अरब की दीगर खसूसियात अवायल उम्र ही से बच्चों में राशि हो जाए इस दस्तूर के मुताबिक साल में दो मरतबा बनी साद की औरतें शीर खार बच्चों की तलाश में आया करती थीं चुनाचे आपकी पैदाइश के आठ दिन बाद इन्हीं औरतों के साथ हलीमा सादिया भी तशरीफ लाई दूसरी औरतों को तो मक्का मुकर्रमा के खाते पीते घरानों के बच्चे दूध पिलाने के लिए मिल गए लेकिन हलीमा साधिया खाली हाथ रह गई नबी करीम सल्लम चूंकि यतीम थे इसलिए इनाम और इकराम की उम्मीद कम थी इसलिए किसी औरत ने उनके घर की तरफ तवज्जोह न की आखिर जब रवानगी का वक्त आया तो हलीमा को खाली हाथ जाना बहुत नागवार गुजरा और अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल इस यतीम बच्चे की तरफ खिंचने लगा चुनाचे उन्होंने अपने शोहर हारिस से जाकर कहा अल्लाह की कसम मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं, और मैं अकेली कोई बच्चा लिए बगैर जाऊँ मैं जाकर इस यतीम बच्चे ही को ले लेती हूँ शोहर ने यह सुनकर कहा कोई हर्च नहीं मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए इसी में बरकत अता कर दे इसके बाद उन्होंने जाकर बच्चे को ले लिया काफिला रवाना हुआ सब सवार होकर चल पड़े हलीमा सादिया भी आपको लेकर चली हलीमा की उठनी दुबली पतली देखने में मरियल और चलने में सबसे सुस्त रफ्तार थी लेकिन जू ही हलीमा सादिया आपको लेकर उस पर सवार हुई यकायक वो बर्क रफ्तार हो गई। बाकी औरतों ने इस मंजर को हैरत से देखा कि हलीमा सादिया की मरियल ऊंटनी उनकी ताकतवर और तेज रफ्तार ऊंटनियों से आगे निकली जा रही थी और फिर वो उन सब को पीछे छोड़ गई। ये तब्दीली दूसरी औरतों के लिए किसी मोजे से कम नहीं थी हलीमा के वालिद अबू जुवैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई नाना हुए हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा था ये दोनों ही कबीला साद बनी बकर बिन हवाजिन से ताल्लुक रखते थे इसी तरह हारिस के बच्चे आपके रजाई भाई बहन हुए जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर रहे उनका घर बरकतों से माला माल रहा हलीमा बयान करती हैं कि वो जब आई थीं तो कहत साली का दौर था उनके पास एक गधी थी जो इस कदर दुबली पतली और मरियल थी कि पूरे काफले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी एक ऊटनी भी थी मगर वो कतरा दूध का नहीं देती थी हलीमा का अपना बच्चा भूख से बेकरार होकर बिलकता रहता था खुद सोता न माँ बाप को सोने देता मगर जब वो आपको लेकर अपने घर आई और आपको गोद में लिया तो सीना दूध से भर गया यहाँ तक कि आपने पेट भरकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बेटे ने भी खूब दूध पिया फिर दोनों आराम की नींद सो गए उस रात हलीमा का बच्चा बिल्कुल न रोया उधर शौहर ऊटनी के पास गया तो क्या देखता है थन से दूध उबला चाहता है चुनाचे वो दूध दोहने लगा उसने इस कदर दूध दोहा कि घर के सब बर्तन भर गए दोनों ने खूब दूध पिया और आराम की नींद सो गए हलीमा सादिया का घराना सबसे ज्यादा कहत ज़्यादा था लेकिन मक्के से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चरकर घर वापस आईं, तो उनकी कूखे निकली हुई थीं और थन दूध से लबरेज थे अब घर वाले खूब दूध पीने लगे जबकि कहत की वजह से दूसरे घरानों को दूध बिल्कुल नहीं मिलता था यूं इस घराने को मुसलसल खैर बरकत नसीब हुई हलीमा का दस्तूर था कि वो हर छह माह बाद आपको मक्के लाती वालिदा और खानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने खैर वरकत तो देख चुकी थी इस वजह से चाहती थी की आपको अभी उनके पास ही रहने दिया जाए चुनाचे उन्होंने आपकी वालदा से कहा क्यों ना आप बच्चे को अभी मेरे पास ही रहने दे ताकि ये और मजबूत हो जाए मुझे मक्के की वबा से डर लगता है वालिदा इस पर राजी हो गईं और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर आ गईं इस तरह आप करीबन दो बरस तक वहीं रहे फिर आपके सीनाए मुबारक को चाक करने का वाक पेश आया इस से खौफजदा होकर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा आमिना के हवाले कर दिया अनस बिन मालिक रजी बयान करते हैं आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया शैतान का हिस्सा है फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया उधर बच्चे दौड़कर हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया वो लोग फौरन आपके पास पहुँचे देखा कि रंग उतरा हुआ है सैदिना अनस का बयान है कि मैं नबी अलैहि सलम के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था इस वाक के बाद आपको मक्के पहुँचा दिया गया और आपने अपनी माँ के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई दो बरस गुजारे फिर वालिदा दादा और उम्मे एमन के साथ मदीना मुनवरा का सफर किया जहाँ आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का नन्हियाल भी था आप मदीने में एक माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गईं और मकाम अब वाह पहुंच कर इंतकाल कर गईं। इन्ना व इन्ना है उन्हें वहीं दफन किया गया अब बूढ़े अब्दुल मुतलिफ आपको लिए मक्के पहुंचे उनके दिल पर आपकी वालिदा की वफात की वजह से गहरा असर था आपके लिए उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी मोहब्बत न थी वो आपकी बहुत कद्र करते अपनी औलाद से बढ़कर चाहते खूब इकराम करते अपने लिए तैयार कराए गए खास फर्श पर उन्हें बिठाते इस फर्श पर किसी और को न बैठने देते पीठ पर हाथ फेरते आपकी हरकत देखकर खुश होते उन्हें यकीन था मुस्तबिल में आपकी निराली शान होने वाली है लेकिन अभी आपकी उम्र बरस दो महीने की बीड़ा उठाया बालिद के सगे भाई थे उन्होंने भी आपसे खास रहमत और शफकत बरती वो मालदार तो न थे लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह तला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफी हो जाता था खुद आप भी सबर कनात का नमूना थे, जो मिलता उसी पर फरमाते। जब आपकी उम्र बरस और कहा जाता है कि मजीद दो माह और दस दिन हुई तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्के शाम जाने का इरादा किया आपको उनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया काफिला मुल्क शाम की हदूद में पहुँचा तो शहर बुसरा के करीब पड़ाव किया बुहरा नामी ईसाइयों का एक राहब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजर कर नबी अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा फिर आपका हाथ पकड़कर बोला ये दुनिया के सरदार हैं परवरदिगार आलम के रसूल हैं अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा मैं इन्हें मोहरे नगोवत से भी पहचानता हूँ ये कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालिब से कहा इन्हें यहाँ से वापस भेज दें मुल्के शाम ना ले जाएं, क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है इस पर अबू तालिब ने गुलामों के हमराह आपको मक्के भेज दिया जब आपकी उम्र पंद्रह बरस हुई तो जीकात के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई हुई इस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और ऐलान के कबाइल थे दोनों में घमसान का रन पड़ा फरीकैन के कितने ही आदमी मारे गए लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय पाया कि दोनों तरफ के मकतूलन गिने जाए जिधर ज्यादा हो उधर वाले जायद मकतुलन का खून बहा लेते इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी दुश्मनी को खत्म कर दिया गया इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे लेकिन आपने लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया अपने चचाओं को तीर थमाते थे इस जंग का नाम जंग फिजार है ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि इसमें हराम महीने की हरमत पामाल की गई फिजार नाम के वाकयात चार बार पेश आए हर साल एक वाकया पेश आता रहा जंग फिजार वाला वाकया आखिरी था इससे पहले के तीन वाकयात में हल्के फुलके झगड़े हुए शदीद लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाक्य में हुई इस जंग के बाद ही के महीने में पांच कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया इस अहदनामे को हिलफुल फजूल कहा जाता है इन कबाइल के नाम ये हैं: बनु हाशिम बनु मुतलिब बनु असद बनी अब्दुल उजा बनु जोहरा और बनु तैम इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी अपना सामान तिजारत लेकर मक्के आया आस बिन ने उससे वो माल खरीद लिया लेकिन अदा न की उसने बनु अब्दुद्दार बनु मखजूम बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी चुनाचे उसने अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े जिनमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खेचा और आवाज लगाई कि कोई तो उसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद करे इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब ने दौड़ धूप की लिहाजा उस कबीले के अफराद बनू तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जुद आन के घर में जमा हुए और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्के में जो भी मजलूम नजर आए खा मक्के का रहने वाला हो या किसी और जगह का ये सब उसकी हिमात में उठ खड़े होंगे उन्होंने आस बिन वाइल से भी उसका हक लेकर उसके हवाले किया इस आहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ थे नुब्वत से सरफराज होने के बाद आप फरमाया करते थे मैं अब्दुल्लाह बिन जुद आन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके बदले सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं और अगर मैं इसके लिए इस्लाम के दौर में बुलाया जाता तो जरूर जाता अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की किफालत में रहे वालिद से विरासत में जो कुछ मिला था उससे कुछ नहीं हो सकता था चुनाचे ही आप हल्के फुलके काम करने के लायक हुए अपने रिजाई भाइयों के साथ द्यारे बनी साध में बकरियां चराने लगे फिर जब मक्का मुआजमा आए तो वहां भी चंद की रात के एवज आहले मक्का की बकरियां चरायी किरात एक दीनार का बीसवा चौबीसवा हिस्सा होता है जिसकी कीमत उस जमाने में बमुश्किल अस्सी नब्बे रुपए समझ लें कम उम्री में बकरियां चराना अम्बिया की सुन्नत है एक बार आहदेवत में आपने फरमाया कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां जरूर चराई फिर जब आप जवान हो गए तो तिजारत शुरू की बाज रिवायात की रूह से आप साहिब बिन अबी साहिब के साथ मिलकर तिजारत करते थे आप तिजारत में बेहतरीन साथी थे लेन देन के मामले में लड़ते झगड़ते थे न बहस करते थे तमाम मामला अमानतदार सच्चे और परहेजगार मशहूर थे जिंदगी के सभी मैदानों में आपका यही तरीका था इसी बिना पर आपका लकब ही अमीन मशहूर हो गया था इन तमाम वजूहत की बिना पर आपकी शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा ने आपको तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की वो इज्जत और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुजस खातून थी लोगों को उजरत देकर अपना माल तिजारत के लिए भेजा करती थी इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको सबसे अच्छी उजरत देंगी चुनाचे आपने उनके गुलाम मैसरा के साथ शाम का सफर किया वहां खरीदो फरोख्त की इस खरीदो फरोख्त में बहुत ज्यादा नफा हुआ इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था शाम से आप मक्का वापस आए और सैयदा की अमानत उन्हें सौंपी सैदा खदीजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत जदा रह गई उधर मैसरा ने भी आपकी बातें उन्हें बताई तब सैदा ने महसूस कर लिया कि उन्हें उनकी मुराद मिल गई है चुनाचे उन्होंने आपसे अपनी सहेली के जरिए से शादी की ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने सैयदा खदीजा के चचा अमर बिन असद को पैगाम भेजा इस तरह बात तय हुई निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा उसमें अल्लाह की हमदोसना की फिर आपके शरफ का जिक्र किया इसके बाद ईजाब कबूल के अल्फाज कहे और महर बयान किया ये मुल्क शाम के सफर से वापसी के दो महीने और चंद दिन बाद की बात है उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल थी सैयदा खदीजा की शादी पहले अतीक बिन आयज मखजूमी से हुई थी वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तैमी से हुई उससे एक बच्चा भी हुआ मगर फिर अबू हाला भी फौत हो गया उसके बाद बड़े बड़े सरदार ने कुरैश ने शादी का पैगाम दिया मगर सैदा खदीजा राजी ना हुई यहाँ तक अल्लाह ने उन्हें आपकी तरफ मायल कर दिया और इस तरह सैयदा को आप सल्लल्लाहु वसल्लम की ज़ोज़ियत का शरफ हासिल हुआ सैयदा खदीजा नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की पहली बीवी थी उनके जीते जी आपने किसी और से शादी न की आपकी तमाम औलाद भी उन्हीं से हुई सिर्फ इब्राहिम मारिया कितिया से हुए आपकी औलाद के नाम ये है पहले कासिम पैदा हुए फिर जैनब फिर रुकैया फिर उम्मे कुलसूम फिर फातिमा फिर बाज़ अब्दुल्लाखों ने तादाद औलाद और औलाद की तरतीब इससे मुख्तलि लिखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में फौत हो गए अलबत्ता तमाम बच्चियों ने आहदे नबूवत को पाया इस्लाम लाई और हिजरत भी की और सब की सब आपकी जिंदगी ही में इंतकाल कर गई सिर्फ सयदा फातिमा आपके छह फौत हुई आपकी उम्र का साल था कि एक जोरदार आया। उससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले आग भी लगी थी इसलिए आग की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे चुनाचे रंडी की उजरत सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें खाना काबा गिराते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब न टूट पड़े आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने ये कहकर ढाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुस्लिन को हलाक नहीं करता जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम में शरीक हो गए और सैदिना इब्राहिम वाली बुनियाद तक खाना काबा गिरा डाला इसके बाद तामीर शुरू की तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर था अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते नबी करीम सल असलम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी म्यामार कर रहा था माल चूंके इस कदर जमा न हो सका था सैयदिना इब्राहिम वाली बुनियादों पर तामीर मुकम्मल की जा सकती इसलिए शुमाल की तरफ से करीबन छह हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत बाकी रहे कि भी खाना काबा का हिस्सा है इसको हिजर और हतीम कहते हैं जब दीवार हजर असवद तक उठ गई तो हर सरदार ने चाह हजर को उसकी जगह रखने का शर्फ उसे हासिल हो इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो चार पांच रोज तक जारी रहा किसी तरह फैसला ना हो पाया कि हजर असवद कौन रखेगा और करीब था कि में खून रेजी हो जाए लेकिन अबू उमैया की एक तजवीज सब ने मंजूर कर ली अबू उमैया सबसे ज्यादा उम्र रसीदा था उसने कहा मेरी तजवीज यह है कि कल सुबह मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लिया जाए यानी वो जिसके हक में फैसला दे दे हजर असवद वही उसकी जगह पर रखेगा दूसरे दिन सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले दाखिल हुआ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कुरैश आपको देखते ही बोल पड़े हादल अमीन हाद मुहमद ये तो मुहम्मद है जो कि अमीन है हम इनसे राजी हैं फिर आप उनके नजदीक पहुँचे तो आपको तफसील सुनाई गई। आपने इस मसले का हल ये निकाला कि एक चादर ली उसमें हजर असवद को रखा और सब सरदारों से कहा इस चादर को सब लोग किनारों से पकड़कर उठाएं। सब ने ऐसा ही किया जब चादर हजर असवद की जगह पहुँच गई तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर असवद को उसकी जगह पर रख दिया ये इस कदर उम्दा फैसला था कि सब खुश हो गए नबी करीम वसल्लम बचपन ही से अकले सलीम के मालिक थे पाक दामन थे भरपूर कुत के मालिक थे जवानी और पुख्तगी का जमाना आया तो आपकी खूबियां और ज्यादा निखर कर सामने आई आप दुरुस्त सोच सही नजर बेहतरीन अखलाक और उमदा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे सच्चाई और अमानत सब्र शुक्र हया और वफा खैर खाही और तवाजो सभी में मुमताज थे भलाई और एहसान में आपका कोई सानी नहीं था अबू तालिब ने क्या खूब कहा है अब युसम हिमालस्मतुल्ल वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगाहबान है आप बहुत सिला रहमी करने वाले थे लोगों का बोझ अपने सर लेते थे कंगाल की ऐसी मदद फरमाते के मालदार हो जाता या रोजगार से लग जाता मेहमान की मेहमानी करते और मुसीबत के मारे हुओं से ताउन फरमाते अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत और निगाहबानी का खास इंतजाम फरमाया था और कौम के अंदर फैली हुई खुराफात और बुराइयों के खिलाफ आपके दिल में नफरत दी थी चुनाचे आप बुतों की ईद पर हाजिर होते न के मेलों में जाते और न आप आस्थानों गैर उल्लाह के नाम पर जबा किया हुआ जानवर खाते न उनसे तक्रब हासिल करते थे लात और उज्जा की कसम तो सुनना भी गवारा न फरमाते शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप इंतहाई दूर थे ऐसी किसी मजलिस में आपने कभी शिरकत न फरमाई जबकि यही मजलिस जवानों की तफरी और दोस्तों से मुलाकात के मुकामात थी अल्लाह ने आपको खलबत पसंदी अटा फरमाई थी अरबों की जहालत और गुनाह आलू जिंदगी ने आपको अफसरदा और गमगीन बना दिया था आप अपने अतराफ में फैली हुई इंसानी इज्तमाही जिंदगी का मुशाहदा फरमाते तो आपको ये महसूस करके दुख होता कि एक अल्लाह की इबादत का तस्वुर देने वाले दीन को वो लोग बिल्कुल भूल चुके थे उस दिन को जो उनके जद्द अमजद सैयदिना इब्राहिम का दीन था उसे बिल्कुल फरामोश कर चुके थे वो अपने हाथों से काबे की तामीर नौ बड़े एहतराम से करते थे लेकिन खाना काबा में बुत रखकर उनकी पूजा करते थे ये शिरक नहीं तो और क्या है मुनाफिकत और कहते किसको हैं? जुआ शराब नोशी बुतपरस्ती और बेहयाई माशरे का जुज बन चुकी है अल्लाह ताला की वाहदानियत का तस्वूर तो पाया जाता है मगर इस तस्वूर को बुत परस्ती के जौक और शौक ने बहुत धुंधला कर दिया है बुतों की शक्ल में अपने माबूद घर लिए हैं हर कबीले और हर खानदान का एक पसंदीदा बुत है और काबे में 360 सौ बुत रखे हुए हैं बुत परस्ती के शौक का ये आलम है कि कुरैश सफर में जाते हैं तो सत्तू के बुत बना लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो अपने मबूदों को घोल कर पी लेते हैं कुरैश के मुआरे और अरब के माहौल में औरत बेचारी की हालत इस कदर पस्त जलील और रद्दी है कि वो ऊंटों बकरियों और गले की तरह तिजारत की चीज बन चुकी है शादियों पर कोई पाबंदी कोई रोक नहीं एक मर्द जितनी औरतों से चाहे शादी कर सकता है और दूसरी तरफ औरत भी जितने मर्दों को पसंद करे उनसे ताल्लुक पैदा कर सकती है चोरी छुपे आशनाई से लेकर खुली बेहयाई तक हर बुराई की जाती है पस्ती और गिरावट की इंतहा है कि मनकूला और मौरूसी जायदाद की तरह बाप की बीवियाँ भी बेटे को वर्से में मिलती हैं और वो अपनी हकीकी माँ के सिवा अपनी सुतेली माओ से शादी करने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करता इस बेहयाई के साथ अरबों में एक शदीद मुजरिमाना किस्म की गैरत भी पाई जाती है वो ये कि हमारी लड़कियां किसी को ब्याह ही न जाए कोई मर्द हमारा दामाद न बने संग दिली की हद तक इस गैर फिक्री गैरत के सबब लड़कियां जिंदा दफन की जाती हैं और इस इंतहा दर्जे की बेरहमी पर उल्टा फख्र किया जाता है आका को गुलामों की मौत और जिंदगी पर पूरा मालिकाना इख्तियार हासिल है मुल्क में कोई मरकजियत नहीं पाई जाती हर कबीला अपने एक सरदार के मातहत खुद मुख्तार बना बैठा है इस चीज ने कबाइल को शीद किस्म की रकाबतों में मुब्तला कर दिया है जरा जरा सी बात पर तलवार नियाम से बाहर आ जाती है और बड़ी खौफनाक जंगे होती हैं जिनका सिलसिला कई पुश्तों तक जारी रहता है आने वाली नस्लें अपने असलाफ और आबाओ अजदाद के खून का इंतकाम लेती है घुड़ दौड़ में घोड़ा दौड़ाने पर झगड़ा खेतों में बकरियां चराने पर लड़ाई और चश्मों से पानी भरने पर खूरेज़ी करते हैं अपने दुश्मनों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों में शराब पीते हैं अरब कौम जाहिल है लिखना पढ़ना नहीं जानती मगर इन्हें अपनी शायरी और जुबानदानी पर इतना घमंड और गुरूर है कि सारी दुनिया को अपनी फसाहत और शायरी के मुकाबले में गुंगा ख्याल करते हैं तबाह परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है जरा जरा सी बात पर फाल निकालते हैं पांसे फेंकते हैं हर तरफ कहानत का जोर है काहिनों से अपनी तकदीर और मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं अरब के बाशिंदे उस आदमी को काबिल इज्जत और शरीफ समझते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा ऊंट बकरियां और खजूर के बागात हो बहुत सी दौलत हो गुलाम हो कनीजे हों नेकी परहेजगारी और शराफत का तस्वर ही उनके जहनों से निकल चुका है यही वो दौर है जिसको दौरे जहालत कहा जाता है अरब के मुआरे की बुराइयों ने उनकी फितरी सलाहियतों को दबा दिया है मसल शुजात हुर्रियत, आहत की पाबंदी मेहमान नवाजी जफाकशी फसाहत और जुबानदानी खुद एतमादी और किसी की मदद के बगैर अपनी हिफाजत खुद करने का जज्बा इन तमाम खूबियों से अरब आशना हैं, लेकिन इनकी ये खसूसियात सही रहनमाई न होने की वजह से गलत राहों पर पड़ गई थी और उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा था मुल्क में बाज ऐसे कबाइल भी पाए जाते थे जो खाना बदोश थे जहां पानी का चश्मा सब्जा और खजूरों के झुंड नजर आए वहीं डेरे डाल दिए और जब यहां से जी उगता गया तो अपना मुख्तसर सा सामान ऊंटों पर लाद कर वहां से चल दिए ये थे अरब के अफसोसनाक हालात लेकिन ये यहां तक महदूद नहीं थे उस जमाने में दुनिया के गोशे गोशे में ऐसी ही पस्ती पाई जाती थी, कहीं आग की पूजा होती थी कहीं मोहब्बत और नफरत के देवताओं के आगे सर झुकाए जाते थे गरज अल्लाह ताला के सिवा उसकी सारी मखलूक की इबादत हो रही थी हद यह है कि सांप दरख्त और बंदर तक मबूद बने हुए थे पत्थर जानवर चांद सूरज और सितारे यहाँ तक के जमीन पर रींदने वाले कीड़ों तक की परस्तिश ने सारी दुनिया को शिरफ का गढ़ बना दिया था हर तरफ जहालत का अंधेरा और को कुफर की तारीखियां छाई हुई थी उन सब में सिरात मुस्तकीम गुम होकर रह गया था आहले अरब की हालत इजार पर कुड़ने के अलावा आप अपनी खलवत तनहाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी गौर फिक्र किया करते थे और सोचा करते थे कि जिंदगी क्या है कायनात क्या है ये चांद सूरज सितारे क्यों कर बने कायनात क्यों तखलीकी की गई किसने की जिंदगी का सुहूर कब हुआ कैसे हुआ ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर फिक्र की जरूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजमी समझते थे इबादत आपकी रूह की जरूरत थी लिहाजा आप रमजान भर गारे हिराम फरमाते आने जाने वाले मिस्किनों को खाना खिलाते और बकिया अवकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते गारे हिरा मक्का मुकरमा के मशिक में खाना काबा से कोई तीन मील दूर नूर की चोटी पर वाक है खलबत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप गारे हिरा पहुंचे ये चूंकि काबा के सामने था और वहाँ कामिल तन्हाई और यकसुई थी इसीलिए आपको बहुत पसंद आया रमजान का महीना और पीर का दिन था आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ आप जो ख्वाब देखते वो सफेद की तरह नमूदार होता फिर आपको तनहाई पसंद आने लगी चुनाचे आप गारे हीरा में खलवत फरमाने लगे और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते फिर सैदा खदीजा रजी अल्लाह के पास तशरीफ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते यहाँ तक के आप गारे हीरा में थे कि आपके पास हक आ गया यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा इकरा यानि पढ़िए आपने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता वसल्लम फरमाते हैं और इस कर डाला और फिर मुझे मैंने फिर कहा मैं पढ़ना नहीं जानता उसने फिर मुझे पकड़कर दबोचा और चूर कर डाला फिर छोड़कर कहा इकरा पढ़िए मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ अब उसने तीसरी पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से पैदा किया पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था अब आपने ये आयत पढ़ दी फिर आप इन आयत को लेकर वापस आए आपका दिल कांप रहा था आपने सैदा खदीजा रजी अल्लाह अनह के पास पहुंचकर फरमाया मुझे चादर उड़ा दो मुझे चादर उढ़ा दो उन्होंने चादर उढ़ा दी यहाँ तक के दहशत जाती रही फिर आपने सैयदा खदीजा को वाकया सुनाया और फरमाया मुझे अपनी जान का खौफ है उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा आप सिला रहमी करते हैं बेसहारों का बोझ उठाते हैं खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसायब में मदद करते हैं इसके बाद खदीजा को अपने चचाजाद भाई वरा बिन नौफल के पास ले गई ये जाहिलियत के दौर में ईसाई हो गए थे अबरानी लिखना पढ़ना जानते थे और अबरानी में इंजीर लिखते थे उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे यदा खदीजा रोजी अल्लाह ने उनसे कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने वरका बिन नौफल ने कहा भतीजे कहो तुम क्या कहते हो आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया इस पर वरका बोले ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा सलाम पर नाजिल हुआ था काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी आपने हैरान होकर फरमाया मेरी कौम मुझे निकाल देगी वरका बिन नौफल बोले हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी न की गई हो और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा लेकिन इसके बाद जल्द ही वरका बिन नौफल फौत हो गए और उधर वही का सिलसिला रुक गया वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ लेकिन मसलहत इलाही इसी में थी क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा की नौत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई बल्कि एक गोना शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे उधर आप गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वरका के पास से पलट कर दोबारा गार हिरा में तशरीफ ला चुके थे जब माहिर रमजान खत्म हो गया और आपकी एतकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शवाल की सुबह हिरा से उतर कर मक्का मोजमा रवाना हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं पहाड़ से उतर कर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया मैंने दाएं देखा कुछ दिखाई न दिया बाएं देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया सामने देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर न आया इसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूं कि जो फरिश्ता हिरा में मेरे पास आया था वो ही और जमीन के दरमियान मौजूद है ये देखकर मेरा पूरा वजूद उसके रोब से भर गया यहाँ तक कि मैं जमीन की तरफ झुक गया फिर मैं खदीजा के पास आया और कहा मुझे चादर उड़ा दो मुझे चादर उड़ा दो मुझे कंबल उड़ा दो ठंडे पानी के छींटे मारो उन्होंने कंबल उड़ा दिया ठंडे पानी के छींटे मारे फिर ये ए कम्बल पोष उठ और लोगों को उनकी बेसत नबवी के इब्तदाई तीन बरसों में आप चुपके चुपके तबलीग करते रहे इस दौरान में सैदना अरकम रजी अल्लाह अनहू का घर इस्लामी तहरीक का मरकज बना ये घर कोहे सफा के दामन में वाक था नमाजें घरों के अंदर और पहाड़ों की घाटियों में पढ़ी जाती रही इस तबलीग के जरिए से चराग से चिराग जलता रहा आपने सबसे पहले उन लोगों को तबलीग फरमाई जिनके आपके साथ ताल्लुका थे आपको अपने इन करीबी साथियों की तरफ से मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा औरतों में आपकी जोजा सैदा खदीजा रजी अल्लाह गुलामों में जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह मर्दों में सैदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह और लड़कों में अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया खुफिया दावत तबलीग का यह सिलसिला करीबन तीन साल तक जारी रहा इस अरसे में जिन हजरा ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम ये हैं: बिलाल बिन रबाह उस्मान बिन अफान जुबैर बिन अव अब्दुलरहमान बिन औफ तलहा बिन उबैदल्लाह साद बिन अबी वक्स अमर बिन अम्बसा खालिद बिन साद बिन आस अमार बिन यासिर खबाब बिन अरत अबू उबैदा बिन जर्राहद बिन जैद जाफर बिन अबी तालिद अबू सलम उस्मान बिन मजून सुहैब रूमी और अरकम रजी अल्लाहम मजमू तौर पर करीब चालीस अफराद ने इस्लाम कबूल किया इन हजरा को असाबिकून अल अब्वलून कहा गया इस खामोश तबलीग के नतीजे में चालीस अफराद ने इस्लाम कबूल किया इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई तब अल्लाह का हुक्म आया ए कम्बल लपेट कर लेटने वाले उठो और खबरदार करो अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो ये सूरह मुद्दसर की पहली दो आयत का तर्जुमा है इनमें नबी सलम को इस अजीम और जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जिहाद कोशिश और मशक्क़त के मैदान में आने के लिए कहा गया मुजसर चादरपोश चादर पोश उठ और डरा गोया कहा जा रहा है जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है लेकिन आप जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं तो आपको नींद से क्या ताल्लुक आपको राहत से क्या सरोकार आपको गर्म बिस्तर से क्या मतलब पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत राहत बख्श साजो सामान से क्या वास्ता आप उठ जाइए उस अजीम काम के लिए जो आपका मुंतजर है उस भारी बोझ के लिए जो आपके लिए तैयार है उठ जाइए जिद्दोजहद और मशक्कत के लिए तकान और मेहनत के लिए उठ जाइए के अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका अब आज से मुसलसल बेदारी है तवील और मशक्कत से लबरेज जिहाद है उठ जाइए उस काम के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए ये बड़ा अजीम और पुरहेबत हुक्म है इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसुकून घर गर, गर्म आगोश और नर्म बिस्तर से खेच कर तुंद तूफानों और तेज झकड़ों के दरमियान इंतहाई गहरे समंदर में लाखड़ा किया लोगों के जमीर और जिंदगी के हक की कशाकशी के दरमियान पहुंचा दिया फिर रसूलुल्लाह रसूल सीबन बीस चैन सुकून और आराम छोड़ दिया जिंदगी अपने लिए ना रही आहलोयाल की ना रही आप उठे तो फिर उठे ही रहे काम अल्लाह की तरफ दावत देना था आपने ये कमर तोड़ बारे गिरा अपने कंधों पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया ये बोझ था इस रुए जमीन पर अमानत कुबरा का बोझ सारी इंसानियत का बोझ सारे अकीदे का बोझ मैदानों में जिहाद और दिफा का बोझ आपने बीस साल से ज्यादा अरसे तक मुसलसल और हमागीर मारका मार्का में जिंदगी बसर की और इस पूरे अरसे में जब से आपने वो आसमानी निदा अल्लाह की आवाज सुनी और ये भारी जिम्मेदारी पाई आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से काफिल न कर सकी अल्लाह आपको हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन अज़र अता फरमाए आमीन फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया नबी जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है उसका साफ साफ ऐलान कर दीजिए और मुश्किन से रुख फेर लीजिए फिर मजीद हुआ सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को कुफ्र और शिरक से डराइए और जो ईमान ले आए और आपकी पैरवी करे उसके साथ नरमी और शफकत का मामला फरमाइए जब आपको आम दावत देने का हुक्म दिया गया और ये हिदायत नाजिल हुई कि आप अपने करीब तरीन अजीजों को सबसे पहले अल्लाह के अजाब से डराए तो आपने सुबह सवेरे कोहे सफा पर चढ़कर बुलंद आवाज से पुकारा या सबाह अरब में ये सदा वो शख्स लगाता था जो सुबह के झटपटे में किसी दुश्मन को अपने कबीले पर हमला करने के लिए आते देख लेता था आपकी ये आवाज सुनकर लोगों ने पूछा ये कौन पुकार रहा है बताया गया ये मुहमद की आवाज है इस पर कुरैश के तमाम खानदानों के लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े जो खुद आ सकता था वो खुद आया जो नहीं आ सकता था उसने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया जब सब लोग जमा हो गए तो आपने कुरैश के एक एक खानदान का नाम ले लेकर पुकारा ए बनी हाशिम ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनी फेहिर अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार है तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे क्योंकि मैं ऐसी जगह खड़ा हूं, जहां से मैं इधर भी देख रहा हूं और उधर भी सबने यक जुबान होकर कहा हम आपकी बात फौरन मान लेंगे हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है तब आपने फरमाया मैं तुम्हें एक सख्त आजाब से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ आपका चचा अबू लहब भी उस मजमे में मौजूद था वो आपका खिताब सुनकर सख्त बरहम हुआ कहने लगा सत्यानाश जाए तेरा क्या इसलिए तूने हमें जमा किया है एक रिवायत में ये भी है कि उसने पत्थर उठाया ताकि आपको खींच मारे इस तरह मक्के में एलानिया तबलीग की इब्तदा हुई लोग मुसलमान होने लगे मुसलमान होने वालों में ज्यादातर नौजवान लोग थे इस तरह उनके बड़ों को बहुत दुख हुआ कि हमारी इजाजत और मर्जी के बगैर ये क्यों पुराने कौमी दीन से फिर गए उन लोगों ने अपने नौ उम्र रिश्तेदारों को तरह तरह से अजियतें दी मारा पीटा लगाकर कैद किया छत के बगैर कमरों में बंद किया तपती रेत पर नंगे बदन लटाया मगर ये तमाम अजियतें बेअसर रही उन लोगों में आजाद मर्द और और औरतें भी थीं, लौंडी और गुलाम भी थे लौंडियों और गुलामों को उनके आकाओं ने शदीद तकलीफ पहुंचाई इसी तरह मवाली भी थे यानी गैर कबीलों के अरब जो आहल मक्का में किसी एक के साथ किसी मुआहदे के जरिए से मवाली बन गए थे मतलब ये कि उनके हलीफ बन गए थे। उनमें से एक बिन यासिर अनहो का खानदान भी था उनके खानदान को खास तौर पर जुल्म का निशाना बनाया गया सैदना यासिर रजी अल्लाह अनहो पर इतना जुर्म ढाया गया कि वो शहीद हो गए सैयदा सुजी अल्लाह अनह जो ना अम्मार की वालिदा थी उन्हें अबू जहल ने नेजा मारकर शहीद कर दिया ये इस्लाम में पहली शहीद खातून है जल्द ही कुरान करीम में बुत परस्ती के खिलाफ सख्त आयात नाजिल हुई मसलन सूरह अम्बिया की आयत अठानवे में इर्शाद हुआ बेशक तुम और वो बुद्ध जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो सब का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे इस पर मुश्रकिन के सितम में और शिद्दत आ गई आपकी जात के खिलाफ और इस्लाम के हलके में दाखिल होने वालों के खिलाफ तेजी आ गई खास तौर पर अबू जहल और अबू लहब ने इंसानियत की हदूद फलांग डाली अलानिया तबलीग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में उस तरीके से नमाज शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया था और यही वो चीज थी जिससे कुरैश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि आप किसी नए दिन के दावेदार हैं इस पर अबू जहल की जाहिलियत और भड़क उठी उसने आपको धमकाना शुरू कर दिया आपसे सख्त लहजे में कहा हरम में इस तरीके से इबादत न करें फिर अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा मोहम्मद तुम्हारे सामने जमीन पर इस तरह अपना मुंह टिकाते हैं उन लोगों ने कहा हाँ इस पर उसने कहा लात और उजा की कसम अगर मैंने उसे इस तरह नमाज पढ़ते देख लिया तो मैं उसकी गर्दन पर अपना पांव रख दूंगा और उसका चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा फिर ऐसा हुआ कि उसने आपको नमाज पढ़ते देख लिया वो फौरन आपकी तरफ लपका वो अपने ऐलान के मुताबिक आपकी गर्दन मुबारक पर अपना नापाक पांव रखना चाहता था कि उसी वक्त लोगों ने उसे घबराकर सदा अंदाज में पीछे हटते देखा वो अपने मुंह को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था लोगों ने उससे पूछा तुझे क्या हुआ इस तरह पीछे क्यों हटाया उसने कहा मेरे और उसके दरमियान अचानक आग की एक खंडक और कोई हौलनाक चीज थी और कुछ पर थे उसकी ये बात किसी ने आपको बताई तो आपने फरमाया अगर वो मेरे करीब फटकता तो उसके उड़ा देते। फरिश्तेजी सलाम पर नमाज पढ़ रहे थे ऐसे में अबू जहल का उधर से गुजर हुआ उसने कहा मोहम्मद, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था यह कह कहकर वो आपको धमकियां देने लगा जवाब में आपने भी उसे सख्ती से झिड़क दिया इस पर उसने कहा मोहम्मद, तुम किस बल पर मुझे डराते हो अल्लाह की कसम इस वादी में मेरे हमायती सबसे ज्यादा है एक दिन किसी जगह ऊंट जबह किया गया अबू जहल ने उकबा बिन अबी मुआयत को भेजा कि जाकर ओझरी उठा लाए और जब आप सजदे में जाएं तो उसको आपकी पीठ पर रख दे उसने ऐसा ही किया वो इस कदर वजनी थी कि आप सजदे से सर न उठा सके सैयद फातमा रजीहा उस वक्त बच्ची थी उन्हें इतला मिली तो वो दौड़ी आई और उस गलीस को आपकी कमरे मुबारक से उतारा सदना बयान करते हैं एक रोज नबी अक्रम सल्म खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे उकबा बिन अभी मायत आया उसने अपनी चादर को लपेट देकर आपकी गर्दन मुबारक में डाल दिया और बल देने लगा जब उसने बल पर बल दिए तो आपकी गर्दन मुबारक भिंच गई आप उसी तरह इतमान कल्प से सजदे में पड़े रहे इतने में सयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अन्हु वहां पहुंच गए। उन्होंने धक्के देकर उकबा बिन अबी मुयद को हटाया और उनसे फरमाया क्या तुम एक ऐसे शख्स को मारते हो और सिर्फ इस जुर्म में कि वो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास रोशन दलाइल लेकर आया है उनके ऐसा कहने पर चंद शरीर सैयद ना सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह पर टूट पड़े और उन्हें खूब जदोकोप किया इन्हीं वाकयात पर सूरह अलग की आयात छह था उन्नीस नाजिल हुई और इसी सूरत की पहली पांच आयात नाजिल होने के बाद सबसे पहले इस्लाम का इजहार नबी करीम अलैहि वसल्लम ने नमाज ही से किया था